लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मुझे माफ कर दो जीजा जी, मेरी कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। हिम्मत रखो अंजलि, रोमा हमें जरूर मिल जाएगी। अजीत तुम कहाँ थे इतने? यहाँ से 20 मील दूर एक आइलैंड है बैंडोस, मैं वहाँ बुरी तरह से फंस गया हूँ। तुम रायजादा साहब को कांटेक्ट करो और उनसे कहो मुझे वहाँ से निकालने का इंतजाम करें। अच्छा, और हाँ, कुछ खाने पीने का सामान और गुड्डू के लिए कपड़े पैक कर दो, मुझे फौरन जाना है। मैं गुड्डू को सोते छोड़ आया हूँ। रुक जाओ।
किया तुमने ऐसा? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी हम लोगों से जो तुमने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया? बोलते क्यों नहीं? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? तुमने नहीं, तुम्हारे जीजा जी ने। जीजा जी ने? हाँ, मेरे पापा एक ईमानदार आदमी थे, तुम्हारे जीजा जी जैसे बेईमानों के दुश्मन, इसलिए तुम्हारे जीजा जी ने मुझे किडनैप कर लिया था और फिर मेरे पापा को एक झूठे खून के इल्जाम में गिरफ्तार करवा दिया। मेरी जान बचाने के लिए मेरे पापा ने खून कबूल कर लिया और उन्हें फांसी हो गई, इसलिए मैंने गिरिजा शंकर को उसकी बेटी से अलग कर दिया ताकि वो भी अपनी औलाद के लिए तड़प तड़प कर मरे जैसे मेरे पापा मेरा गम सीने में लिए फांसी चढ़ गए थे। मैं नहीं मानती, मेरे जीजा जी ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे मानने ना मानने से कुछ नहीं होता, जो सच है वो सच है और जो झूठ है वो झूठ है। अंजलि, अगर तुम कहोगी कि ये दिन नहीं बल्कि रात है तो क्या मैं मान जाऊंगा? नहीं, तुम नहीं मानोगे और ना ही मैं तुमसे ऐसा कहूंगी, लेकिन इंसान के दिल की बातें इतनी साफ और तय नहीं होती हैं जैसे रात का ढल के दिन हो जाना। खैर, तुमसे बहस करना बेकार है, ये तो तुम्हें वक्त ही बताएगा कि कौन सही है और कौन गलत। वक्त तुम्हें बताएगा, मुझे मालूम है। चलो, आज एक बात की तसल्ली तो मुझे हो गई। वो क्या? यही कि तुमने रोमा को पैसे कमाने के लिए किडनैप नहीं किया, और जीजा जी के बारे में जो तुम्हें गलत फहमी है वो तो दूर हो ही जाएगी। एक बात बताओ, तुम रोमा को यहाँ कब तक रखोगे? मैं रोमा को अपने साथ हिंदुस्तान ले जाऊंगा, और जब तक नहीं ले जा पाता तुम्हें भी यहीं रहना होगा। एक बार रोमा में यहाँ से निकल गए तुम आजाद हो। और रोमा, उसका तुम हिंदुस्तान में क्या करोगे? अजीत, बताओ मुझे, रोमा का तुम क्या करोगे? क्या उसे बेच दोगे या उसे मार डालोगे? उठो। अरे बेटी, क्या हो गया तुम्हें? चलो चलो, चुप हो जाओ, अच्छे बच्चे रोते नहीं। चलो चुप, चलो हंसो हंसो हंसो, चलो चुप हो जाओ। निशा जी, कुछ सुना आपने? तुम्हारी आवाज सुन रही हूँ। मेरा मतलब है अजीत के बारे में। क्या हुआ अजीत को? सुना उसने गिरिजा शंकर की साली को भी किडनैप कर लिया है। हर जगह पुलिस अजीत को ढूंढ रही है, पता नहीं कहाँ चला गया वो। अरे क्या कर रहे हो तुम, कम से कम छोड़ो तो सही मुझे। अच्छा, अब कहाँ हो तुम लोग? कहाँ हो? अरे कहाँ हो? अरे पकड़ लिया। क्यों, खूब ऐश हो रही है? लगता है दिन बड़े अच्छे कट रहे हैं अजीत। चलो गुड्डू, तुमने मेरे सवाल का जवाब भी दिया अजीत। निशा, मैं सवाल का जवाब देना नहीं चाहता। हाँ, ये बताओ कि रायज़ादा साहब कब आ रहे हैं? अरे भाई हंसु, हाँ, ये अजीत ने तो कमाल कर दिया। राजेश्वर नाथ की लड़की को तो उठाया से उठाया, उसकी साली को भी गायब कर दिया। मान गए तुम्हारी ट्रेनिंग को। थैंक यू वेरी मच सर। ए, तुमसे कितनी बार कहा है कि इंग्लिश में बात मत किया करो, तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। सॉरी सर। अच्छा एक काम करो, अजीत और निशा का पता लगाओ कि वो कहाँ है, और राजेश्वर नाथ को खबर कर दो कि हम उससे मिलना चाहते हैं। Thank you.
नमस्कार राजेश्वरनाथ जी। नमस्कार भाभी। पहचाना नहीं ना? आखिर रायजादा ने तुम्हें ढूंढ ही निकाला। भाई तुम्हारे बगैर हमारा दिल नहीं लग रहा था। दिल जैसी चीज तुम्हारे जिस्म है ही नहीं रायजादा, लगेगा कैसे? पुराने दोस्तों के साथ ऐसी बेरुखी। काम की बात करो, आए किस लिए हो? हम अपने किसी मतलब के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे काम के लिए आए हैं। हम तुम्हें यह बताकर तसल्ली देना चाहते हैं कि तुम्हारी बेटी और साली अंजलि बाहिफाजत हमारे कब्जे में है। इंसानों की जिंदगी का सौदा करना यह तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। तुम्हें रोमा और अंजलि की जान की कीमत चाहिए ना? कीमत? आखिर आ गए ना अपनी औकात पर। मैं तुम्हें कोई ब्लैकमेल करने नहीं आया हूं बल्कि मैं तो बिजनेस डील करने आया हूं। क्योंकि 14 साल पहले तुमने मुझे जेल भिजवा दिया था, उस अरसे में मैं तो कुछ कमा नहीं पाया। लेकिन मुझे देखकर यह बहुत खुशी हो रही है कि इस दौरान तुमने काफी दौलत बनाई है। एक जिगरी दोस्त होने के नाते इसमें मेरा भी तो कुछ हक है। मुझे जेल जाने की कीमत नहीं दोगे? देखो राजेश्वरनाथ, मुझे सिर्फ 2.5 करोड़ चाहिए, उससे एक पैसा ज्यादा नहीं। हाँ अगर तुम चाहो तो 1.25 रुपया और दे देना, वो तुम्हारी श्रद्धा की बात है। बकवास बंद करो, पहले मैं रोमा और अंजलि से मिलना चाहता हूं। इम्पॉसिबल, तुम हारे हुए खिलाड़ी हो और एक हारा हुआ खिलाड़ी शर्त नहीं लगा सकता। मैं हारा नहीं हूं रायजादा, क्योंकि अब मेरे पास मेरे सच की शक्ति है। मैं पहले रोमा और अंजलि से मिलूंगा, फिर तुम्हें पैसे दूंगा। ठीक है, तो अभी तक अजीत और निशा का कोई पता नहीं चला? जी नहीं। अंशु उन दोनों का जल्दी से पता लगाओ जी, क्योंकि इस बार मुझे लगता है कि राजेश्वरनाथ हमारी धमकियों में आने वाला नहीं है। अपनी बेटी और उस साली अंजलि को जब तक वो देख नहीं लेता वो हमें पैसे नहीं देगा। अच्छा तुम्हें पता ही नहीं चला कि मैं तुम्हें बुला रही थी? नहीं, मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं कि मैंने तुम्हें जगाया था और तुम उठे भी थे। हाँ मुझे ये याद है कि मैं रात को 2 बार उठा था, मगर एक बार मच्छरों ने जगाया था और दूसरी बार एक छिपकली कंधे पर चढ़ गई थी। ओफो जी, वो मेरा हाथ था। क्या बात कर रही हो, कहाँ तुम्हारा हाथ और कहाँ छिपकली? सुबह सुबह मजाक मत करो। अजीत मैं सब समझती हूँ, इतने भोले मत बनो। अजीत जरा यहाँ ना। क्या बात है? इसे बांधो। Hello.
से निकल जाओ निशा। मैंने कहा यहां से निकल जाओ। अरे निशा, तुम कहाँ थी? जब से हम आए तुम्हें और अजीत को ढूंढ रहे हैं। कहाँ गई थी तुम? और अजीत कहाँ है? अजीत यहाँ से बहुत दूर एक आइलैंड पर है। अंशु, हाँ? हमें फौरन वहाँ चलना चाहिए। रात हो रही है, वहाँ जाना ठीक नहीं। तो ठीक है, हम सुबह सुबह निकलेंगे। अजीत वहाँ ठीक तो है ना? हाँ, अजीत कुछ ज्यादा ही ठीक है। निशा, तुम साफ साफ क्यों नहीं बताती? अजीत अब वो अजीत नहीं रहा। उसके दिल में गिरजा शंकर की बेटी के लिए ममता और अंजलि के लिए मोहब्बत जागुटी है। हो सकता है कल सुबह वो उन दोनों को गिरजा शंकर के पास वापस भेज दे। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये सच है और ये बात समझने में मुझे भी बहुत देर लगी, लेकिन अजीत अंजलि के साथ इतना आगे बढ़ चुका है कि उसका वापस लौटना मुश्किल है। तुम कल सुबह रोमा को यहाँ से लेकर वापस चले जाओ अंजलि। और तुम? मैं अभी वापस नहीं जा सकता। कितना अजीब होता है ये प्यार। कुछ दिन पहले की ही बात है, यही तुम थे, यही मैं थी, मगर मुझे तुमसे कितनी नफरत थी और मैंने यहाँ से भाग जाने की कितनी कोशिश की थी। और आज? आज मैं खुद तुम्हारी कैदी बनकर रहना चाहती हूँ। तुम कहते हो आजाद हो जाओ, तो मुझे दुख होता है। अंजलि, अजीत, तुम मुझे कभी भूल तो नहीं जाओगे? अगर ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊंगी। मैं कुछ समझा नहीं रायज़ादा साहब। अरे हंसू, हम राजेश्वर नाथ की बेटी और उसकी साली अंजलि को अजीत से लेकर राजेश्वर नाथ को वापस लौटा देंगे। मुझे नहीं लगता कि अजीत इतनी आसानी से रोमा और अंजलि को आपके हवाले कर देगा। अगर नहीं करेगा तो हम अजीत को खत्म कर देंगे। यानी हम लोग अजीत को मार डालेंगे? हर बेकार चीज को खत्म कर देना चाहिए हंसू, और अजीत की अब मुझे कोई जरूरत नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, अजीत का जिंदा रहना हमारे लिए खतरा बन सकता है। अजीत आज किसी और लड़की को चाहने लगा, इसलिए तुम भी ऐसी बात कर रही हो? सिर्फ इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उसकी नई नई नेकी और ईमानदारी के चक्कर में हम सब मारे जाएंगे। नई नई नेकी और ईमानदारी नहीं, वो तो पैदाइशी ईमानदार है। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर का बेटा, जिस दिन उसकी ईमानदारी को सच्चाई का रास्ता मिल गया, वो हम सबको जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो कैसे? वो ऐसे कि जिस दिन उसे पता चल गया कि उसके बाप का असली कातिल राजेश्वर नाथ नहीं बल्कि मैं हूँ, तो क्या वो मेरे खून का प्यासा नहीं हो जाएगा? हाँ, वो तो है। और फिर वो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा बच्चू, तुम भी तो उसमें शामिल थे। नहीं नहीं, फिर तो उसे फौरन मार डालो। बात तुम्हें जरा देर में समझ आती है मिस्टर हंसु। दोस्त, तुम भी चलो ना हमारे घर पर। गुड्डू ठीक ही कह रही है, तुम भी चलो ना हमारे साथ। बेटे जी, मैं तो तुम्हारे लिए बहुत ही परेशान था। जैसे ही निशा ने मुझे बताया कि तुम वहां फंस गए हो, मैं फौरन चला। हाय बेबी, तुम गिरजा शंकर की सुपुत्री रोमा हो ना? हाउ स्वीट। और तुम हो शायद साली अंजलि। अंजलि, तुम गुड्डू को लेकर घर जाओ। चलो अजीत, तुम रोमा और अंजलि को गिरजा शंकर के पास भेज रहे हो? अब मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं यार। भाई हंसू, ये सब कुछ देखकर एक कहानी याद आ गई। एक राजकुमार था, उसने एक हैवान को खत्म करने की कसम खाई। वो हैवान बीच समुंदर में रहता था। राजकुमार उस हैवान के घर गया, लेकिन हैवान ने एक जलपरी को राजकुमार के पीछे लगा दिया, और उस जलपरी ने वही किया जो मेनका ने विश्वामित्र के साथ किया था। यानी उसने राजकुमार को उसकी कसम भुला दी। आप कहना क्या चाहते हैं? अभी मेरी कहानी खत्म नहीं हुई। उस राजकुमार की जान एक दूसरे राक्षस की मुट्ठी में थी।
जब राक्षस को पता चला कि राजकुमार अपनी कसम भूल गया है तो उस राक्षस ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। नहीं राजादा साहब, एक मिनट रुकिए। अजीत मेरा गुनहगार है, इसने मुझे जलील किया है, इसे मारने का हक सिर्फ मेरा है। निशा तुम चुप रहो। तुमने मुझे इस दो टके की छोकरी के लिए जलील किया, आज मैं तुम दोनों को मार डालूंगी, पहले तुमको और फिर तुम्हारी इस महबूबा को। निशा जल्दी करो, मेरे पास वक्त बहुत कम है। तुमने ठीक कहा रायजादा, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। निशा अजीत ये लो और मार डालो इस कमीने को, इसने तुम्हारे पापा का खून किया है। चुप रहो। मैं सच कह रही हूँ अजीत, मैंने अपने कानों से सुना है, ये कमीना तुम्हें भी मारना चाहता था क्योंकि इसको डर था कि अगर तुम्हें सच्चाई का पता चल गया तो तुम इसके लिए खतरा बन जाओगे। मेरा यकीन करो अजीत, इसने रोमा अंजलि की जान की कीमत राजेश्वर नाथ से 2.5 करोड़ मांगी है। सोचो मत अजीत, मार डालो इसे, यही तुम्हारे पापा का खूनी है। रुक जाओ अजीत, वहीं रुक जाओ। वेल डन हंसु। अजीत पिस्तौल इधर लाओ। अजीत। निशा। अजीत मैं उतनी बुरी नहीं जितने तुम समझते हो। निशा रायजादा, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हंसु, अजीत साहब का खून बहुत उबल रहा है, इन्हें किसी चीज के साथ बांध कर ठंडे पानी में डाल दो, गर्माइश कम हो जाएगी। हेलो, आगे राजेश्वरनाथ जी, माफ करना मुझे आने में ज़रा देर हो गई, पैसे ले आए? गुड, बैग मेरे आदमी के हाथ दे दो। रायजादा, पहले रोमा और अंजलि से मिलूंगा, बाद में पैसे दूंगा। काफी समझदार हो गए हो। हाँ अंशु जी, रोमा और साली अंजलि को यहाँ ले आओ। एक मिनट, पहले बैग मेरे हवाले कर दीजिए। एक मिनट रायजादा, इस बैग को छोड़ दो, क्योंकि जिस जगह मैं तुम्हें भेजने वाला हूं वहां तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम बच गए, खैर कोई बात नहीं, तुम्हारा बाप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका, तुम क्या करोगे? जो काम बाप ने अधूरा छोड़ा था उसे बेटा ही तो पूरा करेगा। सुना अंशु भाई, ये अजीत साहब क्या कह रहे हैं? अब इनसे मैं क्या कहूं? Thank you.
Thank you.
इंडियन पीनल कोड के मुताबिक मुलजिम अजीत को 3 साल की बामशक्कत सजा दी जाती है, लेकिन क्योंकि अजीत ने खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया और साथ ही रायजादा नरसिंह के सारे अड्डों के बारे में बताकर पुलिस की मदद की, उसकी 3 साल की सजा 1 साल कर दी जाती है। अजीत, अंजलि, तुम हिंदुस्तान कब आई? आज सुबह ही। गुड्डू तुमसे मिलना चाहती थी। कैसी हो गुड्डू? अच्छी हूँ। दोस्त, तुम यहाँ कितने दिन रहोगे? 1 साल। उसके लिए मुझे कितना गिनना पड़ेगा? करीब 3 करोड़। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,